Hello everyone, this is me Somya and you all are on my channel Somya's Life. So guys, in today's video I'm going to share with you all safety measures of coronavirus. जैसे कि हम सब जानते हैं कि coronavirus पूरे world में बहुत गंदी तरीके से फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या safety measures हैं वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ. बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर्स ने बताए हैं बहुत सारे measures एंड उनको हमें फॉलो करना चाहिए. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या measures हम फॉलो करेंगे इस वायरस से बचने के लिए. तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, फर्स्ट जो हैक है वो है किसी भी ऐसे इंसान से ना मिलना जो कि बीमार है. अगर हम बीमार लोगों से मिलेंगे तो जो कि इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी फैलता है, तो इसलिए हमें बीमार लोगों से नहीं मिलना है. एंड जैसे कि जो लोग बीमार हैं, जिन्हें कोल्ड है, जिन्हें फीवर है, तो उनसे हमें दूर रहना है, क्योंकि गाइस ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है, तो इसलिए हमें बीमार लोगों से बहुत ही दूरी बनाए रखनी है. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग घर से बाहर ना निकलें. जितने भी दिन हमें बताया जा रहा है तो हम लोग अपने घर में ही रहें तो ज़्यादा बेटर है. जितना दूर रहेंगे सोशल वर्क से या फिर सोशल गैदरिंग से, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी, तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा. एंड जो भी हमें बताया जा रहा है वो हमारे हेल्थ की अच्छाई के लिए बताया जा रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बोर हो रहे हैं घर में, या फिर हमें काम करने को नहीं मिल रहा है, या फिर हमें बाहर जाने को नहीं मिल रहा है. तो थोड़े दिन की बात है, अगर आप लोग थोड़े दिन घर में रह लोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आप लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो, उसमें आप लोग कुछ और चीज़ें कर सकते हो जो कि आपने अभी काम के चक्कर में नहीं कर पाए हैं. तो बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, तो इसलिए आप अवॉइड करिए सोशल गैदरिंग्स करना, पार्टीज करना एंड कहीं भी जाना. तो अपने घर पे रहिए एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी. सो गाइज, अब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सेकेंड हैक, जिसमें कि जब भी हम छींकते हैं या फिर खांसते हैं, अगर आप बाहर हैं या फिर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए. आप लोगों को जब भी छींक आती है या फिर खांसी आती है, तो आप इस तरह से एक आप इस तरह का एक टिश्यू यूज़ कर सकते हो. इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड यूज़ करने के बाद आप इसको डस्टबिन में फेंक सकते हो, क्योंकि जिससे कि अगर हम छींकते हैं, खांसते हैं या फिर जो भी जर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं वो किसी और को ना जाएं, तो हमें अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए हमें ये हैक फॉलो करना चाहिए. सो गाइज, अब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ थर्ड हैक. सो गाइज, थर्ड हैक क्या है? जैसे कि हम लोग अपने जो हैंड्स हैं वो अपने नोज़, आईज़ एंड माउथ से दूर रखें, क्योंकि जितना हो सके हम लोग अवॉइड करें अपने फेस को टच करना, क्योंकि हैंड्स पे कहीं ना कहीं जर्म्स हो जाते हैं. तो अगर हम लोग बार बार जो हमारे फेस को टच करते हैं, उससे हमारे जो हैं जर्म्स हमारे अंदर जा सकते हैं. एंड ये जो बीमारी है, जो उसके जर्म्स हैं, वो माउथ एंड नोज़ एंड आईज़ के थ्रू बहुत जल्दी अंदर जाते हैं. तो इसलिए अवॉइड करिए कि आप अपने मुंह, नाक और आँख को हाथ ना लगाएं, जितना हो सके उतना ना लगाएं. एंड जब भी आपको अपना फेस टच करना है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करने के बाद ही अपने फेस को टच करें, अदरवाइज आप अवॉइड कीजिए अपने फेस को टच करना. तो गाइज, ये था मेरा थर्ड हैक. सो गाइज, अब मैं आपको बताने वाली हूँ फोर्थ हैक. जो टीनेजर्स हैं या फिर जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि हम लोग उनके साथ हैंडशेक करते हैं, हग करते हैं, ये सब चीज़ें अभी अवॉइड कीजिए, ये सब ना कीजिए. जो हमारी भारत संस्कृति है उसे फॉलो कीजिए एंड नमस्ते का यूज़ कीजिए, या फिर आप दूर से भी हाय या कुछ भी कर सकते हो. आप लोग अवॉइड कीजिए कि आप किसी चीज़ को टच ना करें, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. तो गाइज, ये था मेरा फोर्थ हैक. सो गाइज, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फिफ्थ हैक, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जैसे कि हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं, जैसे कि ई रिक्शा हो गया या फिर ऑटो हो गया, या फिर हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, तो आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आप लोग कोई भी वेट वाइप ले लीजिए. उसके बाद आप जहाँ पे बैठ रहे हो ना, उसको अच्छे से क्लीन करके ही बैठें. एंड जो भी हैंडल्स वगैरह होते हैं ना, आप अगर उस पर चढ़े हैं उसे पकड़ के, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसके बाद अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें. और आप लोग हमेशा अपने पर्स या फिर अपने पॉकेट में सैनिटाइजर छोटा जो आता है वो ज़रूर रखें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल हमारे लिए, क्योंकि उससे जो हमारे जर्म्स हाथ पे आ जाते हैं ट्रैवल करते टाइम, तो उसे आप सैनिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि बाहर हमें हैंड वॉश करने की कोई जगह नहीं मिलती है ट्रेन्स वगैरह में. तो आप लोग यूज़ कीजिए सैनिटाइजर जब भी आप ट्रैवल करते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की हेल्थ के लिए. तो गाइज, ये था मेरा फिफ्थ हैक.
तो गाइज अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सिक्स हैक में मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि हमारे जो हैंड्स हैं वो बहुत ही जगह टच होते हैं या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें टच करते हैं, तो हम लोग हमेशा याद रखिए अगर आप बाहर से आते हो या फिर अगर आप घर में भी रहते हो तो भी आपको अपने जो हैंड्स हैं उनको अच्छे से वॉश करना है। एंड आपको किस तरह से वॉश करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड आपको 20 सेकेंड्स तक मिनिमम अपने हैंड्स को वॉश करना है। आप लोग अच्छे से हैंड्स को क्लीन करिए जिससे कि आपकी जो भी जर्म्स हैं हैंड्स में वो ना रहें एंड आप हेल्दी रहें। तो ये वाला हैक आप ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड किस तरह से आपको हैंड वॉश करने हैं चलिए देखते हैं वीडियो में। सो गाइस हमको अपने हैंड वॉश इस तरह से करने, सबसे पहले हमें अपने हैंड्स को वेट करना है, उसके बाद जो भी हैंड लिक्विड सोप या फिर हैंड वॉश आप यूज़ करते हो उसको लेना है। एंड उसके बाद आपको अच्छे से अपने पूरे हैंड्स पे पीछे एरिया पे आगे सब जगह अच्छे से लगाना है एंड इस तरह से रब करना है। एंड आपको हाथों की उंगलियों के बीच में थंब एरिया पे पूरे जगह अच्छे से इसको इस तरह से रब करना है। एंड जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया हुआ है किस तरह से आपको हैंड वॉश करने हैं, सेम प्रोसेस है इसी तरह से आपको हैंड वॉश करने हैं। आपको हथेली पे अच्छे से आपको अपने जर्म्स जो हैं वहाँ पे अच्छे से रब करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स वहीं पर होते हैं। पीछे हाथ के उंगलियों के बीच में थंब पे हर जगह आपको अच्छे से क्लीन करना है। एंड आपको ऊपर थोड़ा हैंड से जो भी पोर्शन होता है वहाँ पर भी क्लीन करना है। तो इस तरह से आपको अपने हैंड्स वॉश करने हैं अच्छे से। आपको 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथ को इस तरह से वॉश करना है, उसके बाद आपको इसे वाटर से इस तरह से वॉश कर देना है। सो गाइस हैंड वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं ये टिश्यू, आप कोई भी टाल यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टाल यूज़ नहीं किया है क्योंकि मतलब अनजाने में कोई ना कोई टाल यूज़ कर ही लेता है अगर ये तंगी होती है तो इस तरह से मैं टिश्यू यूज़ करती हूँ जिससे कोई भी इन्फेक्शन या जर्म्स ना हो उस पर, उसके बाद मैं इसको डस्टबिन में थ्रो कर देती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे हैंड्स हो गए अच्छे से वॉश। सो गाइस जो नेक्स्ट हैक मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है, जैसे कि हम लोग कभी भी फ्रूट्स लाते हैं एंड ऑब्वियसली फ्रूट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं तो हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब भी हम बाहर से लेके आते हैं तो आप लोग याद रखिए कि आज जैसे कि बहुत ज़्यादा ये कोरोना वायरस चल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जो गर्म पानी लेना है एंड गर्म पानी में जो आप सब्जियां या फिर फल वगैरह ला रहे हो तो आप उसमें डाल के उसको अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही यूज़ कीजिए। क्योंकि जैसे कि बाहर हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे जर्म्स एंड बहुत सारे लोग टच करते हैं, जैसे कि जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं जो भी वेजिटेबल्स हम लोग लेने जाते हैं, तो इसलिए अगर जो भी जर्म्स अगर ट्रांसफ़र भी हुआ होगा उस पर तो वो अच्छे से वॉश हो जाएगा। तो आप लोग गर्म पानी में उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ही उसको यूज़ कीजिए, उसके बाद ही आप उसको पकाइए। तो गाइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ज़रूर फॉलो करना है, जो भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लाते हैं उसको वॉश करने के बाद यूज़ करें। एंड याद रखिएगा कि ये सारे जो भी मैं आपके साथ हैक्स शेयर कर रही हूँ वो आपको फॉलो करने हैं एंड आपको हेल्दी रहना है। सो गाइज जो नेक्स्ट हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कि हम लोग सैनिटाइजर किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सैनिटाइजर की बड़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है केमिस्ट शॉप पे, अगर आप ऑनलाइन भी देखो तो भी आपको नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है हमेशा एंड जैसे ही आता है वो सारा 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 का सारा बिक जाता है। तो अगर आप लोग को सैनिटाइजर की शॉर्टेज है, आप लोग को नहीं मिल रहा है, आप लोग को डबल रेट्स पे वो लोग देते हैं एंड 500 समथिंग के सैनिटाइजर्स ये लोग बेच रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लोगों को भी सैनिटाइजर इतने कॉस्टली मिल रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग आफ्टर शेविंग जो आता है ना, जैसे हम लोग के पापाज वगैरह शेव बनाने के बाद जो भी यूज़ करते हैं भाई वगैरह, तो आफ्टर शेविंग लेना है उसमें एलोवेरा जेल को मिक्स करना है। आफ्टर शेविंग में अगर आप एलोवेरा जेल को मिक्स करेंगे तो आपका एक अच्छा सा सैनिटाइजर बन के रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही यूजफुल एंड आप इस तरह से घर पे सैनिटाइजर बना सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे मिल रहा है तो आप इस तरह से घर पे सैनिटाइजर बना सकते हो। सो गाइज जो नेक्स्ट हैक मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये, जैसे कि जब भी हम लोग नहाने जाते हैं तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग जो बकेट में नहाते हैं, जो बकेट में हम लोग पानी भरते हैं ना, उस बकेट में आपको एक ढक्कन जो सेवलॉन या फिर डेटॉल की डालनी है, लिक्विड जो आता है एंटीसेप्टिक, वो डालने के बाद ही आपको वो पानी यूज़ करना है। बहुत सारा इन्फेक्शन चल रहा है तो आपको ज़रूर एंटीसेप्टिक डिटॉल या फिर सेवलॉन का लिक्विड जो भी होता आता है ना मार्केट में अवेलेबल है इजीली, तो आप लोग को आराम से केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा या फिर कोई भी किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ से लेके उसे यूज़ करिए। आप जब भी आप नहाते हो या फिर जब भी आप लोग अपना फेस वॉश करते हैं या फिर जो आपने हैंड वॉश करते हैं तो आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग थोड़ा सा
टू और थ्री ड्रॉप्स उस पानी में उसको मिला के उसके बाद ही आप लोग यूज़ करिए। एंड जब भी आप लोग नहाने जाइएगा तो आप लोग जो भी आप बकेट यूज़ करते हो नहाने के लिए उसमें भर के उसको आप एक ढक्कन उस बकेट के पानी में डाल के उसके बाद ही आप लोग उसको नहाने के लिए यूज़ कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा रहता है, जैसे कि बहुत सारे जर्म्स हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं इधर से उधर, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो आप लोग ये हैक भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने लिया है सेवलॉन का एंटीसेप्टिक लिक्विड। तो यहाँ पे मैंने एक बकेट में जो है वाटर को पूरा फिल कर लिया है। अब इसमें मैं एक ढक्कन इसको इस तरह से डाल दूंगी। एंड जो भी आप वाटर यूज़ कर रहे हो नहाने के लिए, इस तरह से ही यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। गाइस, जो नेक्स्ट हैक मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है अपने घर की सफाई। आपको अपने घर को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है एंड आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अपने घर की अच्छे से डस्टिंग करनी है। एंड आपको जो आप रोज़ में हम लोग जैसे मॉपिंग या फिर स्वीपिंग करते हैं या फिर हमारी जो मेड आती है तो उसको आप लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, या मॉपिंग या स्वीपिंग कर रही है या फिर तो जो मॉपिंग के लिए हम लोग वाटर यूज़ करते हैं ना, उसमें आपको एक ढक्कन उसमें एंटीसेप्टिक डिटॉल या फिर सेवलॉन की वो जो लिक्विड आती है वो डालना है। एंड उसके बाद जो भी आप फिनाइल यूज़ करते हो मॉपिंग के लिए वो डालना है। उसके बाद ही आप लोग मॉपिंग पूरे घर में करवाइए, क्योंकि उससे जो भी हमारे जर्म्स होते हैं फ्लोर वगैरह पे वो सारे क्लीन हो जाएंगे, जिससे कि हमारा जो घर है वो जर्म्स फ्री रहेगा। तो इसलिए हमें ये हैक जरूर फॉलो करना है, ये हमारे सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए एंड आप लोग ये वाला हैक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो गाइज, हमें अपनी सफाई के साथ साथ अपने फ़ोन की भी सफाई का ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे फ़ोन पे इतने जर्म्स होते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपने फ़ोन को भी क्लीन करते रहना है। यहाँ पर मैंने एक वेट वाइप लिया है, उससे मैं अपने फ़ोन को क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह से ही आपको अपने फ़ोन को क्लीन करना है, जिससे जो भी जर्म्स होते हैं फ़ोन पे वो आपके हाथों पे ना लगें एंड आपका जो फ़ोन है वो जर्म्स फ्री रहे। तो इस तरह से आपको अपने फ़ोन को ज़रूर क्लीन करना है। सो गाइस, जब भी हम बाहर जाते हैं इस टाइम तो हम लोग मास्क यूज़ करते हैं। तो जैसे कि जब हम लोग लौट के वापस आते हैं तो आपको जब मास्क उतारना होता है तो आप इस तरह से ना उतार के सामने से साइड से इस तरह से उतारें एंड कहीं भी इधर उधर ना फेंकें। आपको एक कोई भी पॉलीथिन लेनी है या फिर आप कोई भी जो भी बॉक्स वगैरह ले सकते हो, उसमें आपको इस तरह से इसको रखना है एंड आपको इस तरह से सील कर देना, जिससे कि जो भी जर्म्स हैं वो इधर उधर ना फैलें। तो एवरीवन, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही है, आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एंड जैसे कि गाइज, हम लोग सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस कितना फैल रहा है एंड उससे हमारे जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है। सारा कुछ बंद कर दिया है, मेट्रोज बंद कर दी हैं, ट्रेन्स बंद कर दी, हमारी गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है इसके अगेंस्ट। एंड जो भी आपको इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं तो आप लोग ट्राई करिएगा कि वो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो सारे हमारे सेफ्टी के लिए ही हैं, हमारे कोई बुरे के लिए नहीं कोई बोल रहा है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप लोग फॉलो करें एंड जितने भी टाइम ये वायरस रहता है आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कम से कम बाहर जाएं, सोशल गैदरिंग कम करें, पार्टीज कम करें, हैंडशेक वगैरह किसी से ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है एंड आपको हेल्दी रहना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर रहिए एंड हेल्दी रहिए। So guys, that's all for today. Now I'm going to end this video. See you in the next video. Till then, bye-bye. Stay healthy.